आज हम आपको खिली खिली बेसन वाली अरबी की रेसिपी बताएंगे। अरबी बहुत ही पौष्टिक होती है और इसकी सब्जी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 रेसिपी विद माधुरी। आज मैं आपको बेसन वाली अरबी की सब्जी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। उसके लिए सामग्री है, ये 250 ग्राम अरबी लिए हमने, दो मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए, आधा कटोरी बेसन, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया आधी कटोरी, ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन लिए आधा चम्मच, हींग तड़के के लिए थोड़ा सा नींबू लिया है आधा, आधा कटोरी तेल, गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये अरबी को हमको छीलना है। उसके पहले हमको हाथ में तेल लगाना है, थोड़ा सा तेल लगाना है क्योंकि इसमें खुजली आती है हाथ में, इसलिए तेल लगाना बहुत जरूरी है छीलने के पहले और काटते समय भी। इस तरह इसको छील लेना है और उसके बाद गोल पीसेस बारीक कट कर लेंगे। ये छील लिए है और इस तरह इसको गोल गोल पीस बारीक करना है, ज्यादा मोटी नहीं करना है, जितना बारीक करोगे उतने जल्दी पक जाएगी है, इसलिए बारीक पीस करना है इसके, जैसे आलू के चिप्स बनाते हैं अपन उस टाइप के काटनी है। चलिए अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर दिया है हमने, कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम ये तेल डालते हैं, आधा कटोरी तेल है इसको डाल देते हैं, इसको गर्म होने दीजिए। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें ये अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन जरूरी है डालना क्योंकि ये अरबी बादी करती है, इसलिए अजवाइन और हींग डालना बहुत जरूरी है इसमें। थोड़ा सा हींग डालते हैं, पिंच, आधा पिंच। अब ये दो कटे हुए प्याज इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ी देर होने देते हैं, इसके बाद हम इसमें गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि ये प्याज जल्दी हो जाएंगे। ये प्याज हमारे थोड़े भून चुके हैं, अब इसमें हम गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। अब इन दोनों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसमें हम नमक मिर्ची और मसाला डालते हैं। आधा नमक हमने प्याज में डाला था, ध्यान रखना है आधा ही डालना है इसमें। चम्मच हल्दी, अरे 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें अरबी डालते हैं।
इसको थोड़ी देर तेल में होने दीजिए, बाद में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, एक कप धीमे आंच पे होने दीजिए इसको। इसमें हम ये सोप पाउडर डाल रहे हैं आधा चम्मच, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए या मत डालिए। ये अरबी अब मसाले में थोड़ी सी पक चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा सा पकने देते हैं। थोड़ी पक चुकी है, थोड़ी पकने की है, इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। इसको ढक के 5 मिनट के लिए होने देते हैं, धीमे आंच पे होने देना है। ये अरबी हमारी पक चुकी है, इसमें आप गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इसमें ये थोड़ा सा नींबू है, नींबू निचोड़ना है। नींबू इसलिए डालते हैं क्योंकि ये चिकट रहती है, इसलिए ये नींबू डालने के बाद खिली खिली बनती है और स्वाद भी अच्छा आता है सब्जी में। अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए इस तरह आप इसको ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए तो ये ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी आपकी, लेकिन हम इसमें बेसन डालेंगे और इसको सूखी सब्जी बनाएंगे। इसमें ये छोटे पोहे के 2 चम्मच बेसन डाल लेते हैं, लगेगा तो हम और डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिलाना है। थोड़ा सा आधा चम्मच और बेसन डालेंगे हम। यानी इसमें हमने 2.5 चम्मच बेसन डाल चुके हैं। ये 250 ग्राम अरबी थी हमारी। इसको थोड़ी देर धीमे आंच पे ढक के होने देना है। ये अरबी अब पक चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। देखिए ये सब्जी हमारी पक चुकी है, गैस हमने बंद कर दिया है। देखिए अरबी बिल्कुल टूट रही है, इस तरह से इसको पकाना है और कैसी खिली खिली बन गई है। देखिए बेसन डालने से बिल्कुल खिल खिल जाती है, ये चिकनापन जो रहता है वो सब हट जाता है बेसन डालने से और नींबू डालने से। नींबू जरूर डालिए इसमें और हींग और अजवाइन का छोंक जरूर लगाना है ताकि अरबी की सब्जी नुकसान नहीं करेगी। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ते का भी छोंक लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। ये अरबी की सब्जी बनके तैयार है, इसको हम हरे धनिया से गार्निश कर रहे हैं। अरबी की सब्जी के कई फायदे हैं, थकान कम करता है,
वजन घटाने में भी मदद करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। अरबी की ये सब्जी सफर में भी ले जा सकते हैं। पूरी और पराठे के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।